नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। टिकटों का बंटवारा भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक बिहार से कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बीते 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें कुछ गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में 907 नए मरीज पाए गए हैं बिहार के 3800 जिलों से, जिसके बाद बिहार में कोरोना के कन्फर्म्ड मामलों का आंकड़ा 1,88,000 से अधिक हो गया है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी अपडेट से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन किन जिलों से कितने मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में बिहार में 907 नए मामले निकलकर आए, जिसके बाद कोरोना के कंफर्म्ड मामलों का आंकड़ा 1,88,858 हो गया है। आपको बता दें कि 907 मरीजों में से अररिया जिले से 7 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अरवल के 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। औरंगाबाद जिले से 27 नए केसेस आए हैं। बांका से 10, बेगूसराय से 37, भागलपुर से 31 और भोजपुर जिले से 15 नए मामले आए हैं। वहीं झारखंड के बोकारो का एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है, जिसका सैंपल भोजपुर में लिया गया था। बक्सर की हम बात करें तो 4 केसेस आए। दरभंगा जिले से 15 नए मामले निकल कर आए हैं। पूर्वी चंपारण से 45, गया से 22, गोपालगंज जिले से 38। जामताड़ा की बात कर ले तो 1 मामला निकल कर आया है, जिसका सैंपल जो है वो पटना जिले में लिया गया था। जमुई की बात करें तो 6 केसेस आए हैं। जहानाबाद से 13, कैमूर से 9, कटिहार जिले से 25, खगड़िया से 7, किशनगंज से 2, लखीसराय जिले से 15 मामले, मधेपुरा से 34, मधुबनी से 13, मुंगेर से 9, मुजफ्फरपुर से 35, नालंदा से 18, नवादा जिले से 23 मामले। वहीं पटना में भी 200 से कम केसेस आए हैं। 195 नए मामले निकल कर आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर इलाकों में फिलहाल पटना जिला ही है कोरोना के मामले में। पूर्णिया की बात करें तो 35 केसेस आए हैं। रोहतास जिले से 24, सहरसा से 22, समस्तीपुर से 15, सारण से 20, शेखपुरा से 6, शिवहर जिले से 13, सीतामढ़ी से 23, सिवान से 25 मामले आए हैं। सुपौल जिले से 19 केसेस, वैशाली से 20 और पश्चिमी चंपारण जिले से 26 नए मामले निकल कर आए हैं। कुल मिलाकर 907 केसेस बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए, जिसके बाद बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 12,833 है और कंफर्म्ड मामलों का आंकड़ा 1,88,858। तो बिहार में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से आंकड़ों में थोड़ी गिरावट आई है। 900 से ज़्यादा नए मामले आए हैं, जिसके बाद कंफर्म्ड मामलों का आंकड़ा 1,88,000 के पार जा चुका है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।